इंटरनेशनल टी डे जो आज सेलिब्रेट किया जा रहा है वो हमारे इंडिया के हमारे देश की जो चाय पीने की संस्कृति है उसको दर्शाता है। 150 साल पहले ब्रिटिशर्स द्वारा चाय का आगमन हुआ था, लेकिन ब्रिटिशर्स के भारत को छोड़ने के बाद भी चाय हमारे साथ रह गई। इस पेय को हमने हमारी संस्कृति का एक अहम भाग बना लिया है। अगर आपको मैं बात समझाऊं तो शायद पानी के बाद सबसे ज्यादा पिए जाने वाला बेवरेज चाय ही है। आज हम खुश होते हैं तो हम चाय पीते हैं, हम दुखी होते हैं तब चाय पीते हैं, स्ट्रेस में होते हैं तब चाय पीते हैं, शोक सभा होती है वहां पे भी चाय पिलाई जाती है, शादी ब्याह बर्थडे पार्टी होती है तब भी चाय पिलाई जाती है। चाय हमारी संस्कृति में घुल मिल गई है। तो क्या चाहते हैं आप तो? लेकिन एक और पॉइंट में यहाँ पे उजागर सामने लेकर आना चाहूंगा। एक मिनट बाबू, एक पॉइंट में यहाँ पे सामने लेकर आना चाहूंगा कि जो हमारी जो यंग जनरेशन है, जेन जी है, उसका रुझान थोड़ा सा चाय की तरफ से हटकर और दूसरे फैंसी बेवरेजेस की तरफ ज्यादा हो गया है, बी इट कॉफी, सॉफ्ट बेवरेजेस और समथिंग लाइक दैट। बट देन हम अपनी तरफ से काफी इनोवेशन करने की कोशिश कर रहे हैं और चाय में काफी वैल्यू एडिशन करके चाय को भी यंग जनरेशन को अपील करने वाला एक बेवरेज का रूप देने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं आशा करता हूं कि इंटरनेशनल टी डे के मंच के माध्यम से मैं यूथ तक ये मैसेज पहुंचाऊं कि चाय एक बहुत हेल्दी बेवरेज है, इसमें काफी अच्छी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है इसका, बिल्कुल भी एडिक्टिव नहीं है चाय। तो चाय को भी आप अपनी जीवन शैली में उतारिए और इसे कंज्यूम करना शुरू कीजिए। लाखों लाखों लोगों का डेली ब्रेड चाय से जुड़ा हुआ है। आप चाय पियेंगे, खुद को स्वस्थ भी रखेंगे और साथ साथ सपोर्ट भी करेंगे उन लोगों को जो चाय के उत्पादन से जुड़े। अस्त अस्त अस्त।